नहीं एक ही है। वापस पटना के लिए हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे, जनरल में जा रहे हैं क्योंकि हाजी तो वैसे सीट मिल चुकी है बैठने के लिए। तो अभी ट्रेन खुलने में 1.5 घंटे टाइम है, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ नाश्ता वगैरह ले लेते हैं रास्ते के लिए। बच्चे वगैरह और जीजा जी को बैठा के आए हैं हम लोग बाहर, देखते हैं कुछ सूखा नाश्ता ले लेते हैं खाने के लिए। और दी गाँव आई है तो साड़ी पहनी हुई है, अपने ससुराल आई हुई थी तो वहाँ से निकलेगी तो ऑब्वियसली जींस टॉप या फिर कुछ कुर्ती वगैरह पहन के नहीं निकल सकती, गाँव है तो जिन्होंने साड़ी वेयर किया है। और ये हमेशा की तरफ हर ड्रेस में अच्छी लगती है तो साड़ी में भी अच्छी लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक गाड़ी खुलती है तब तक कुछ सूखा नाश्ता खरीद लेते हैं और अब चलते हैं अपने घर। ये जर्नी सुकून वाली है क्योंकि कहीं भी आप घूम लो यार, घर तो घर ही होती है। तो देखते हैं कुछ मिलता है तो लेते हैं। बेटा का फरमाइश से चॉकलेट खाना है, बेटी ने बोला है उसे बिस्किट चाहिए तो वो सब भी ले लेते हैं साथ में। चलिए सुन आ गए हम लोग, बुरा हालत ख़राब है इनका, मुंह लटका हुआ है कि एक माजा पी चुके हैं और खांसी है और एक माजा चाहिए, इसलिए डांट के इनको बैठाया है हम लोगों ने। पूरा फेस आपको देख के लग ही रहा हुआ है कितने टायर्ड हो गए हैं, शाम होने वाली है। कैसे हैं आप सब, शाम हो चुकी है। दी को कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि कल उसे वापस जाना है डेली, तो हम लोग मार्केट आए हुए थे, मार्केट हम लोगों ने कर दिया है। दी के हाथ में सारी थैलियाँ भी आपको दिख रही होगी। और लास्ट में दी को कुल्फी खाने का मन था तो कुल्फी हम लोगों ने लिया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। चूँकि हम लोग साथ में हैं इसलिए हम लोग के पास मार्केट आने की एनर्जी थी, अगर अकेले अकेले होते तभी तक बेड पर पड़े होते। रात हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं, अभी घर जाके खाना ही बनाना है तो निकलते हैं यहाँ से। आए थे हम लोग गांधी मैदान साइड जो बाकरगंज है वहाँ पे, सारा सामान ले लिया, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी तो वो सारी डन हो चुकी है। और जो भी हम लोग की यात्रा थी मेरी तो ख़त्म हो चुकी है, अभी दीदी की लास्ट बची है, वो कल दिल्ली जाएगी तब उसकी यात्रा कल ख़त्म होगी। तो इसका कल का ट्रेन है, शाम को ट्रेन है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मार्केट एक बार एक्सप्लोर कर लिया, कुछ चीज़ें लेनी थी ले लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं घर, क्योंकि कुछ और चीज़ें लेनी है, खाना बनानी है तो, और लाइट भी ठीक नहीं आ रहा है, तो चलते हैं घर। लंच अल्दी का गाड़ी है, मसाला पिसा गया है, ये सत्तू उबल के पराठा बनेगा तो इसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। ये रहा सत्तू अपना, फटाफट से पहले इसको कट कर लें। फिश की ग्रेवी तैयार हो रही है, फिश फ्राई हो चुका है यहाँ पर, इसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। और जा रही हूँ मैं अब सत्तू भरने इसमें फटाफट। फिश कड़ी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये कितनी मतलब अच्छी लग रही है, इसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है आप देख सकते हो। और यहाँ मैं लिट्टी जो है वो फ्राई कर रही हूँ पैक करके ले जाने के लिए। और घर में बहुत ही ज़्यादा शोर है क्योंकि दोनों बच्चे घर में चिल्ला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर। और बस
हम लोग अपना खाना बना लिया है, इसे फैला के रख दूंगी मैं, ठंडा हो जाएगा देन पैक करना होगा। अब लंच भी देना होगा इन लोगों को। शाम की गाड़ी है देखी, तो अभी दोपहर हो चुका है, लंच रेडी है, तो अब वो लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो मैं जा रही हूँ उन लोगों को उठाने, लंच दूंगी, वो लोग लंच करेंगे, सब साथ में ही करेंगे। इसके बाद जो सामान इधर उधर फैला है वो सब पैक हो गया, एंड देन वो लोग चले जाएंगे, और फिर हमेशा वाला रूटीन, सैड, अकेले। बहुत मस्ती किया हम लोगों ने इतने दिन, बहुत जगह घूमे, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, तो नहीं अच्छा लगता है, ये टाइम नहीं अच्छा लगता है जो विदाई वाला टाइम होता है, बट क्या कर सकते हैं, सबका अपना काम है, अपनी लाइफ है, हमेशा साथ नहीं रह सकते, तो चलिए सबको खाना खिलाते हैं। आ रही हूँ मैं अब इनको अलविदा कहने, सामान साथ में, बच्ची भी है, चलिए चलते दिखाइए तो क्या हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को छोड़ दिया है मैंने, नेक्स्ट डे हो चुकी है, मैं कल दी को छोड़ के आने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी को वापस भेजने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं तो पिछले 7-8 दिनों से हम लोग साथ में थे, बहुत सारे लोगों के बीच थे, बहुत फ़न किया, और सडनली ऐसा हुआ कि अब एकदम अकेले हो गई हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अकेले फील कर रही थी, तो मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया कल दी को छोड़ के आने के बाद, बस बहुत ज़्यादा ही सैड थी मैं, सैड मोड में चली गई थी, मैंने कहीं कॉल नहीं किया, किसी से बात भी नहीं की, इसलिए मैं ब्लॉग का एंडिंग भी नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा कि अभी अच्छे से ब्लॉग का एंडिंग देती हूँ। बहुत सालों से हम लोगों को बुलाया जा रहा था, नानी घर भी, बुआ घर तो मैं लाइफ में पहली बार गई हूँ, मैंने आज तक बुआ का घर नहीं देखा था, क्योंकि वो गाँव में रहती हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और मैं कोलकाता में रहती थी, हम लोग तो बच्चे थे, तो हम लोग वैसे भी बार बार लॉकडाउन करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो हम लोग नहीं जाते थे, बट कई सालों को, मतलब लाइफ में पहली बार मेरे ख्याल से मैं बुआ के घर गई हूँ। दी पहले एक दो बार गई थी शादी के पहले, बट मैं नहीं गई थी, तो हम लोगों ने पहली बार उनका घर देखा, और इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और सिर्फ वहीं नहीं, नानी घर भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। टाइम कम था क्योंकि काम करना है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है सबको, तो इसलिए दी को भी अपने काम पे वापस जाना था, तो हम लोगों ने बस 7-8 दिन की ही छुट्टी मिल पाई थी उसे, तो हम लोग साथ में निकले, घूमे फिरे, बहुत मज़े किए, बहुत फ़न किया, और फाइनली डेली वाला रूटीन अब स्टार्ट हो चुका है, अब वो भी अपने घर चली गई है, मैं भी यहाँ अकेली हूँ। बहुत याद आ रहा है वो सारा दिन जो हम लोगों ने सब भाई बहन फैमिली वालों के साथ बिताया था, बट ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बिताएंगे। सब अच्छा रहा, ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा, सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, तो कुछ ऐसा भी था गांव का ट्रिप, होपफुली आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँ, अपनी लाइफ से जुड़ी बातें आप लोगों को बताऊँ, तो और मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा रहता है उसको टच करने से एक बेल आइकन आता है, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरे सारे वीडियो जो मैं डालूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक वीडियो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब लिखिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, अच्छे से रहिए।